اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام

أكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Bismillah. Al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah. صراط الذين <سؤال> أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والظليم. أنا مسلم أود هو، إكما كبر अपनी एक तकरीर में तबलीग के बारे में जो बयान फरमा रहे थे तो उस वक्त हजरत उमर रजान हो के ज़माने के वाकयात का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसलम की वफात के बाद जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें अक्सर अवकात मुसलमानों की किल्लत होती थी शाम की लड़ाई में सिपाहियों की बहुत कमी थी हजरत ने हजरत उम्र को लिखा कि दुश्मन बहुत ज़्यादा तादाद में है इसलिए और फ़ौज भेजने का बंदोबस्त फरमा दें हजरत ने जायज़ा लिया तो आपको नई फ़ौज का भर्ती करना नामुमकिन मालूम हुआ क्योंकि अरब के इर्द गिर्द के कबाइल के नौजवान या तो मारे गए थे यह सब के सब पहले ही फौज में शामिल थे आपने मशरे के लिए एक जलसा किया और उसमें मुख्त कबायल के लोगों को बुलाया और उनके सामने ये मामला रखा उन्होंने बताया कि एक कबीला ऐसा है जिसमें कुछ आदमी मिल सकते हैं हजरत उमर ने एक अफसर को मुकर हुक़्म दिया कि वे फ़ौर इस कबीले में से नौजवान जमा करें और हज़रत को लिखा कि छः हज़ार सिपाही तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ जो चंद दिनों तक तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे, तीन हज़ार आदमी तो फलाँ फ़लाँ कबाइल में से तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे और बाकी तीन हज़ार के बराबर अमर बिन मादी करेब को भेज रहा हूँ मुसलमे उसमें हैं कि हमारे एक नौजवान को अगर तीन हज़ार आदमी के मुकाबले में भेजा जाए तो वो कहेगा कैसी खिलाफ अकल बात है क्या खलीफा की अकल मारी गई है एक आदमी कभी तीन हज़ार का मुकाबला कर सकता है लेकिन उन लोगों के ईमान कितने मज़बूत थे हजरत अबैदा को हज़रतमर का ख़त मिला तो उन्होंने खत पढ़ कर अपने सफाइयों से कहा खुश हो जाओ कल अमर बिन मादी करीब तुम्हारे पास पहुँच जाएगा सिपाहियों ने अगले दिन बड़े जोश के साथ अमर बिन मादी करब का इस्तेबाल किया और नारे लगाए दुश्मन समझा कि शायद मुसलमानों की मदद के लिए लाख दो लाख फौज आ रही है इसलिए वो इस कदर खुश हैं हालांकि वो अकेले अमर बिन मादी करब थे इसके बाद वो तीन हज़ार फौज भी पहुंच गई और मुसलमानों ने दुश्मन को शिकस्त दी हालांकि तलवार की लड़ाई में एक आदमी तीन हज़ार का क्या मुकाबला कर सकता है और हैं कि ज़ुबान की लड़ाई में तो एक आदमी भी कई हज़ार लोगों को अपनी बात पहुँचा सकता है मगर वो लोग खलीफा वक्त की बात को इतनी अहमियत देते थे कि हज़रत उमर ने अमर बिन मादी करीब को तीन हज़ार सिपाही का मकाम बनाकर भेजा तो ने नेतराज़ नहीं किया कि अकेला आदमी किस तरह तीन हज़ार का मुकाबला कर सकता है बल्कि उसे तीन हज़ार के बराबर ही समझा और बड़ी शान शौकू से उसक, उसका इस्तेवाल किया और मुसलमानों के इस इस्तबाल की वजह से दुश्मन के दिल डर गए और वो ये समझे कि शायद लाख दो लाख फौज मुसलमानों की मदद को आ गई है इसलिए मैदान जंग से उनके पाँव उखड़ गए और वो शिकस्त खाकर भाग गए आप फरमाते हैं कि सर दस हमें भी इसी तरह अपने दिल को इतमान देना होगा यह आप बता रहे थे कि यूरोप में स्पेन में और इचली वगैरह में तब्लीग किस तरह करनी उस दिनों में ये वाक़ बयान किया फ़तहात मिस्र का ज़िक्र करता हूँ इसमें एक जंग फरमा थी फरमा मिसर का एक मशहूर शहर था ये बहरा रोम और कलूजी के दहाने के, के करीब जो दरियाए नील के साथ शाखों में से एक शाख थी एक पहाड़ी पर आबाद था अलामा शिबली नुमानी के मुताबिक बैतुलमकद्दस की फतह के बाद अमर बिन आस के इसरार पर हजरत उमर ने हजरतमर बिन आस को चार हज़ार का लश्कर देख कर की तरफ रवाना किया लेकिन साथ ये भी हुक्म दिया कि अगर मिस्र पहुँचने से पहले मेरा ख़त मिले तो वापस लौट आना अरीश पहुँचे थे कि हजरत उमर का ख़त पहुँचा अगरचे इसमें आगे बढ़ने से रो, रोका था लेकिन चूँकि शर्तिया हुक्म था हजत उमर ने कहा कि अब तो हम मिस्र की हद में आ चुके हैं रीश से चल कर फरमा पहुँचे इस्लामी जंगों पर मुश्तमिल तो किताब है अल्दा उसमें लिखा है कि जब हज अमर बिन आस रफा मुकाम पर पहुँचे तो आपको हज़ु उमर का ख़त मिला था लेकिन आपने इस डर से कि इस खत में वापस लौटने को हुगुम ना हो जैसा कि हजन उम्र ने फरमाया था कासर से ख़त ना लिया और चलते रहे यहाँ तक कि आप रफा और अरीश के दरमियान एक छोटी बस्ती में पहुँचे और इसके मतलब पूछा बताया गया कि यह मिस्र की हदूत में है तो साहब आपने ख़त मंगवाया और उसे पढ़ा और उसमें लिखा था कि आपके साथ जो मुसलमान हैं उन्हें लेकर वापस लौट आएं। तो आपने अपने हमरार लोगों से कहा क्या तुम नहीं जानते कि ये मिस्र में है उन्होंने कहा जी हाँ तो आपने कहा कि अमीरमुमी ने हुकम दिया है कि अगर मुझे इनका, इनका खत मिस्र की सरजमीन तक पहुँचने से पहले मिल जाए तो मैं वापस हूं और मुझे ये खत मिस्र की सरजमीन में दाखिल होने के बाद मिला है बस तो अल्लाह का नाम लेकर चलो और यह भी कहा जाता है एक और रवायत में कि हजरत उमर अमर बिन आस फलस्तिन में थे और वो बिला इजाजत अपने साथियों को लेकर मिस्र चले गए ये बात हजरत उमर को नागवार गुजरी तो हजरत उमर ने उन्हें खत लिखा हजद उमर का ख़त हज अमर को उस वक्त मिला जब वो अरीश के करीब थे बस आपने वो खत ना पढ़ा यहाँ तक कि आप अरीश पहुँचे पहुँच गए फिर आपने ख़त पढ़ा उसमें लिखा था कि उमर बिन खताब की तरफ से अमर बिन आस के नाम अमाबाद यकीन तुम मिसर अपने साथियों के साथ गए हो और वहाँ रोमियों की बड़ी तादाद है और तुम्हारे साथ थोड़े लोग हैं मेरी उम्र की कसम अल्लाह तुम्हारा भला करे बेहतर होता अगर तुम उन्हें साथ ना ले जाते बस अगर तुम मिस्र नहीं पहुँचे तो वापस लौट आओ इस सफ़र में फरमा से पहले इस्लामी नश्वर किसी भी रोमी सिपाही से मुलाकात ना हुई किसी की मुलाकात नहीं हुई थी रोमी सिपाही से बल्कि जगह जगह मिस्रियों ने उनका इस्तेवाल किया था और सबसे पहले फरमा में मुहाजर आई हुई थी रोमियों ने यह खबर पाकर ये तो मुख्तलि रवायतें हैं लेकिन रवायत वही सही लगती है कि अरीश मिस्र हदूद में पहुँचने के बाद ही इनको ख़त मिला नहीं तो ये नहीं हो सकता कि बहाने बनाए जाएँ कि हम मिस्र पहुँचेंगे तो खत खोलूँगा बहरहल जब वो मिस्र पहुँच गए थे तो फिर आगे बढ़ना था क्योंकि फिर पीछे नहीं कदम उठता हूँ उनका रोमियो ने यह खबर पाकर किरत अमर के साथ आने वाली फ़ौज मामूली तादाद और नाकबिल जंगी तैयारी में है ज़्यादा दिनों तक मुहासरा नहीं कर सकते जबकि इनसे ज़्यादा तादाद तैयारी में हम उनसे ज़्यादा तादाद रखते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पस्त करके ले जाएंगे रोमियों ने ख़्याल किया वो शहर में किला बंद हो गए इधर हज़रत अमर बिन आस को रोमियों की अस्करी क़ोत का इलम हो चुका था असल और तादाद में कई गुना हम पर भारी हैं चुनौचे तो आपने फरमा आप परिज़ होने के लिए ये मनसूबा बनाया कि अचानक हमला करके फसील के दरवाज़ों को खोल दिया जाए या फिर उस वक्त तक सब्र के साथ मुहासरा जारी रखा जाए जब तक कि शहरीों की खुराक ख़त्म ना हो जाए और भूख से बेताब होकर बाहर ना निकल आएँ तो चुनौचे मुहासरा कर लिया इधर मुसलमानों का मुहासरा सख्त से सख्त होता जा रहा था और उधर रोमी भी अपनी ज़िद्द से पीछे ना हट रहे थे इस तरह मुहासरा कई महीने जारी रहा कभी कभी बाद रोमी फ़ौज बाहर आती और दो चार झड़पें करके पीछे हट जाती इन झड़पों में मुसलमान ही गालब रहते एक दिन रोमी फौज की एक जमात बस्ती से बाहर निकलकर मुसलमानों से लड़ने निकली मुकाबले में मुसलमान गालब रहे और रोमी हजीमत उठा खाकर बस्ती की तरफ भागे मुसलमानों ने उनका पीछा किया और दौड़ने में काफ़ी तेज़ रवि का सबूत दिया और कुछ लोगों ने दरवाज़े तक रोमियों के पहुंचने से पहले ही वहाँ पहुँच कर फसील का दरवाज़ा खोल दिया और फतेह मुबीन का रास्ता साफ़ कर दिया फतेह बिलबीस ये किस तरह हुई फरमा के बाद हजरत अमर बिन आस ने बिलबिस का रुख किया तो रोमी फ़ौज ने आपका रास्ता रोक लिया बिलबीस जो है ये फुस्ताद से तकरीबन तीस मील दूर शाम के रास्ते पर एक शहर है रास्ता रो, रोक लिया ता ताकि मुसलमान बबल्यून के किला तक ना पहुँच सकें बबल्यून कदीम लगत में दियारसी मिस्र के ये नाम इस्तेमाल होता है बिलखसूस जहाँ फुस्तात आबाद हुए उसे पहले बबल्यून कहा जाता था रोमी फ़ौज यहीं लड़ना चाहती थी लेकिन हज़रत अमर बिन आस ने उनसे कहा तुम उस वक्त तक जल्दी ना करो जब तक हम अपनी बात तुम्हारे सामने रख ना दें ताकि कल उजर वादरत की कोई बात ना रह जाए फिर कहा कि तुम अपने पास से अबू मरियम और अबू मरियाम को मेरे पास भी सफीर बना कर भेजो चुनाचे वो लोग लड़ने से रुक गए और उन दोनों सफीरों को भेज दिया ये दोनों सफ़ी अहल बिलबीस के राहब थे अमर ने उनके सामने इस्लाम लाने या जजिया देने की तजवीज़ रखी और साथ अहल मिस्र के बारा रसूल वसलम को यह फ़रमान भी पेश किया कि तुम मिस्र को फ़तेह करोगे वह ऐसा मुल्क है जहाँ की रात का नाम चलता है बस जब तुम उसे फतेह कर चुको तो उसके रहने वालों से एहसान का सलूक करना क्योंकि उनके लिए ज़िम्मेदारी और सिलार रहमी से सिल रहमी है या फरमाया कि जिम्मेदारी और मशाहरत है इन दोनों सफीरों ने ये बात सुनकर कहा कि बहुत दूर का रिश्ता है उसे हम ब्याह ही पूरा कर सकते हैं हमें जाने दो हम वापस आकर बताएँगे अजमर आस ने कहा मुझे शख्स को धोखा नहीं दिया जा सकता मैं तुम्हें तीन दिन की मदद देता हूँ आप लोग अच्छी तरह मामले पर गौर कर लें दोनों सफीों ने कहा कि एक दिन की और मोहलत दे दें दे। आपने उन्हें मज़ीद एक दिन की मोदत दे दी दोनों सफीर लौट कर कप्तियों के सरदार मकूकस और शाम शाह रोम की तरफ से मिस्र के हाकिम अरतुन के पास आए और मुसलमानों की बात उनके सामने रखी अरतुन ने मानने से इनकार कर दिया और जंग का पुख्ता इरादा करके रातों रात उसने मुसलमानों पर हमला कर दिया अर्तबुन के इसके लश्कर की तादाद इस इस लश्कर की तादाद बारह हज़ार बयान की जाती है अर के लश्कर की मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद इस मार्के में शहीद हुई और रोमियों के 1000 हज़ार सिपाही कतल और 3000 हज़ार सिपाही गिरफ्तार हुए और अरतंग मैदान छोड़कर भाग गया और बाद ने कहा कि वो इसी जंग में मारा गया मुसलमानों ने उसे उसके लश्कर समेत स्कंद्रिया तक शिकस्त दी मौरखीन इस बात पर मुतफ़ हैं कि मुसलमान बिलबीस में एक महीने तक रहे इस दौरान लड़ाई होती रही और आखिरफत मुसलमानों को हुई लेकिन इस अमर में इनका इख्तलाफ़ है कि ये जंग शदीद थी या कम इस जंगी कशमकश के दौरान एक ऐसा वाक़ पेश आया जो मुसलमानों की दानशमंदी और अखलाकी बरतरी की दलील है वाक़ यूँ है कि जब बिलबीस में अल्लाह ताली ने मुसलमानों को फद नसीब फरमाई तो उसमें मकूकस की लड़की गिरफ़्तार हुई जिसका नाम अरमानूसा था वो अपने बाप की चहती बेटी थी उसका बाप कुस्तनतीन बिन हरकल से उसकी शादी करना चाहता था वो इस शादी पर राज़ी नहीं थी इसलिए वो अपनी ख़ादमा के साथ सैर व तफरी के लिए दिलबीस आई हुई थी बहरहाल जब मुसलमानों ने उसे गिरफ़्तार किया तो हज़म बिन आस ने इतमाम साहब कराम की एक मजस बुलाई और उन्हें अल्ल का ये फ़रमान सुनाया कि कुलजदा लहसानों हल ज़ा हल जजा उल एहसान एहसान है क्या एहसान की जज़ा एहसान के सिवा कुछ और भी हो सकती है फिर के हवाले से <सथ> यानी कि खुआ हल जदासान अल्लाहसान के हवाले से कहा कि मकुक़स ने हमारे नबी अलैहि वसल्लम के पास हथिया भेजा था मेरी राय है कि इस लड़की और उसके साथ जो दीगर खातान और उसके खिदत गुजार हैं और जो माल हमें मिला है वो सब कुछ मकुखस के पास भेज दो सब ने अमर बिनास की राय को दुरुस्त करार दिया फिर अमरबिनवास ने मकुक़ की बेटी और को उसके तमाम जवाहरत दीगर खातान और खिदमत गुजारों के साथ नहायत इज़्ज़त एहतराम से उसके बाप के पास भेज दिया वापस होते हुए उसकी खादमा ने अरमानूसा से कहा हम हर तरफ़ से अरबों के घेरे में हैं अरमानूसा ने कहा मैं अरबी खेमे में जान और इज्जत को महफूज समझती हूँ लेकिन अपने बाप के किले में अपनी जान महफूज नहीं समझती फिर जब वो अपने बाप के पास पहुँची तो उसके साथ मुसलमानों को बर्ताव देख कर तो बहुत खुश हुआ फिर एक उमदुनैन उमदुनैन एक जगह है वहाँ की फ़तह का जिक्र है बिलबीस की फतह के बाद बिन आस सहरा की सरहद पर पेशकदमी करते हुए उमदनैन की बस्ती के करीब जा पहुँचे जो दरियाए नील पर खलीज तिराजान के मुंबई के पा, पास पास वाक़ था यह खलीज सुइस के करीब शहर मिस्र को बहरा रोम से मिलाती थी जहाँ आज कल कहरा का मोहल्ला उजबिया है वहीं उस ज़माने में उम दुनैन की बस्ती थी जिसे रोमियों ने किला बंद कर रखा था इसके करीब दरिया नील का घाट था और उस घाट पर बहुत सी किश्तियाँ खड़ी रहती थीं। ये बस्ती बाबलियन के शुमाल में थी जो शहर मिस्र का सबसे बड़ा किला था इस लिहाज से उम्दुनैन को मिस्रियों के इस महबूब इलाके के जो गुजशतमानों के फिरों का दारकून भी रह चुका था सबसे पहली दिफाही चौकी कहा जा सकता है उमदनैैन के करीब जाकर मुसलमानों ने पड़ाव डाला रोमियों ने किला बाबलियन में अपनी बेहतरीन फौज पहुँचा दी थी और उमदिनैन के किले को ख़ूब अच्छी तरह मजबूत करके जंग के लिए तैयार हो गए थे जासूसों की खबरों से हजत अमर बिन आस को अंदाजा हो गया कि उनकी फौज किला बल्यून की फतह या उसके मुहारे के लिए नाकाफी है उन्होंने एक आसद के हाथ एक मदीना भेजा और उसमें अपने सफ़र मिस्र के हालात किलों की तफसीलात और उन पर हमला करने के लिए कुमक की ज़रूरत का इज़हार किया इधर फौज में ऐलान करा दिया कि इमदादी फौजें बहुत जल्द पहुँचने वाली हैं उसके बाद उमद की तरफ बढ़े और उसका मुहासरा करके किले में गज़ाई और फौजी ज़रूरियात के सामान की रोक दी किला में जो रूमी थे उन्होंने इधर आने की कोशिश न की क्योंकि वो बिलबीस में अरतून का अशर देख चुके थे और वो जानते थे कि अरबों से खुले मैदान में लड़ना उनके बस की बात नहीं है उमदनैन की फौज फ़ौज कभी कभार निकलती हैं और नाकाम झटकों के बाद वापस हो जाती कई हफ्ते इस तरह गुजर गए इसी उसना में खबर मिली कि बार गाय खिलाफों से पहली इमदादी फ़ौज रवाना कर दी गई और वह आजकल में पहुँच जाती है इस खबर से मुसलमानों की हिम्मत और ताक़त में इजाफा हो गया हजतुमर ने इस्लामी लश्कर की मदद के लिए चार हज़ार सिपाही भेजे हज़रतमर ने हर हज़ार आदमी पर एक अमीर मुकर किया इन उमरा के नाम हजतुबैर बिन अवाम हजत मकदाद बिन असवद, असद हजादा बिन शामद और हजरत मसलमा बिन मुखलत थे एक कॉल के मुताबिक हजत मसलमा बिन मुखलत की जगह खारजा बिन हुजाफा अमीर थे हज़रतमर ने ये कमुख भेजने के साथ हजरत अमर बिन आस को ख़त लिखा कि अब तुम्हारे साथ बारह हज़ार मुजाहिदीन हैं ये तादाद कमी की वजह से कभी मकलूब नहीं होगी रोमी जंगजू किपति को साथ लेकर मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए निकले दोनों फ़ौजों में शदीद लड़ाई हुई हजतमर बिन आस ने नेमत अमली से अपनी फ़ौज को तीन हिस्सों में तकसीम किया एक हिस्से को जबल अहमर के करीब एक जगह पर ठहरा दिया दूसरे हिस्से को उम्दिनैन के करीब दरियाए नील के किनारे एक जगह पर ठहरा दिया और फौज का बखिया हिस्सा लेकर दुश्मन के मुकाबले पर निकले जिस वक्त दोनों फौजों में सख्त लड़ाई हो रही थी जबल जबल अहमर में छुपी फ़ौज ने निकल कर पीछे से हमला कर दिया जिससे उनका फ़ौजी निज़ाम दुश्मन का धरम भरहम हो गया और वह उमैन की तरफ भागे वहाँ इस्लामी फ़ौज का दूसरा हिस्सा तैयार था उसने उनका रास्ता रोक दिया इस तरह रोमी फौज मुसलमानों के तीनों फौजों के दरमियान फंस गई और दुश्मन हुई। मुतफ्रक फरतूहत के बारे में ज़िक्र है कि उम जुनैन की फतह के बाद सबसे पहले फ़यूम के इलाके पर अमर बिनास ने फतह हासिल की और इस इलाके का सरदार इस लड़ाई में कत्ल हो गया फिर एनोशम्स में मुसलमानों का रोमियों से मुकाबला हुआ इससे कबल आठ हज़ार मुजाहिदीन का लश्कर बतौर कुमक बतौरकमक हजतम बिन आ मिला जिसकी कमान हजरत गैैर बिन अवाम के हाथ में थी और इसमें हजरत उबादा बिन सामत हजरत मकदाद बिन असद और मसलमा बिन मुखलत वगैरह भी थे इस जंग में भी मुसलमानों ने फतह हासिल की इसके बाद फयूम के पूरे सूबे पर मुसलमानों ने फतह हासिल की मुसलमानों की फ़ौज के एक हिस्से ने सूबा मनूफिया के दो शहरों इसरीब और मनूफ पर फतह पाई मारका किला बबलिय या फुस्तात की फतह के बारे में लिखा है कि हजतम बिन आस की फ़तह के बाद किला बाबलिय की तरफ़ बढ़े और उसका ज़बरदस्त मुआसरा किया अब इस इलाके का नाम फुस्तात है इसकी वजह तस्मिया ये है कि अरबी में खेमे को फुस्ताद का कहते हैं हजरत अमर आस ने किले को फ़तेह करने के बाद जब यहाँ से कूच करने का हुक्म दिया तो इत्फाक़ से एक कबूतर ने हजरत अमर के खेमे में घोंसला बना लिया था जब उनको नज़र जब उनकी नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने हुक्म दिया कि इस खेमे को यहीं रहने दो और हजरत उमर ने इसक्रिया से वापस आकर इसी खेमे के करीब शहर बसाया इसलिए ये शहर उसताद के नाम से मशहूर हो गया किले में मुहाफ़ज दस्ते की तादाद का अंदाज़ा पाँच से छः हज़ार तक लगाया जाता था और वह हर तरह से मसल थे अमर ने किला बाबनियन का मुहारा शुरू किया इस के बाद ये पहला मुझ... ये बहुत मजबूत किला था और पक्की ईंटों से बनाया हुआ था और चारों तरफ से दरियाए नील के पानियों से घिरा हुआ था चूँकि दरियाए नील पर वाक़ था और जहाज़ और किश्तियाँ किले के, के दरवाज़े पर आकर लोकती थी इसलिए सरकारी ज़रूरतों के लिए नहायत मुनासब मुकाम था अरब इस मजबूत किले पर हमला करने के लिए ज़रूरी आलात से न थे वो उसके लिए तैयार थे ना वो इसके लिए तैयार थे हजतंबर ने अव्वल इसको कर, इसका मुहासरा करने की तैयारियाँ कर, कर लीं मकूकस जो मिस्र का फरमा था वह तो अमर बिन आस से पहले किले में पहुंच चुका था और लड़ाई का बंदोबस्त कर रहा था जुबैर ने घोड़े पर सवार होकर खंदक के चारों तरफ चक्कर लगाया और जहाँ जहाँ ज़रूरतें थीं मुनासि तादाद के साथ सवारी सवार और सिपाही मुतन किए ये मुहारा मुसलसल सात माह तक जारी रहा और फतः और शिकस्त का फैसला न हुआ इस दौरान रोमी फ़ौज कभी कभी किले से बाहर आकर जंग भी करती लेकिन फिर वापस चले जाते हैं। इस दौरान मकूकस अपने सफ़ीरों को मसालियत और धमकाने की वरज़ से हजरत अमर बिन आस के पास भेजता रहा हजरत अमर बिन आस ने हजरत वादा बिन सामित को भेजा और मसालियत करने के लिए सिर्फ़ तीन शरात लगा दी कि इस्लाम लाओ जजिया दो या फिर जंग होगी और कहा कि इसके अलावा किसी बात पर तो रसला नहीं हो सकती रसूला न करना मकूस को ने जजिया देना मंजूर कर लिया और इस सिलसिले में हरकल हर से इजाज़त मांगने के लिए ख़ुद हरकल के पास गया लेकिन हरकल हर ने उसे मानने से इनकार कर दिया बल्कि मकूकस से सख्त नाराज़ हुआ और उसको सजा देने देते हुए जिला वतन करवा दिया जब किला बालियून की फतह में ज़्यादा तखीर नजर आई तो हर जुबैर बिन आवा कहने लगे कि अब मैं अपनी जान अल्लाह के रस्ते में हिबा करने जा रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसी से मुसलमानों को ख़तार समाएगा ये कहकर नंगी तलवार ली और सीढ़ी लगाकर किले की फसील पर चढ़ गए चंद और साहबा ने भी आपके साथ सबका आपका साथ दिया फसील पर चढ़ कर सब ने एक नारा लगाया और साथ ही तमाम फ़ौज ने भी नारा लगाया जिससे किले की ज़मीन दहल गई ईसाई समझ गए कि मुसलमान किले के अंदर घुस आए हैं वह बदवास होकर भागे और हज जुबैर ने फसील से उतर कर किले का दरवाज़ा खोल दिया और तमाम फ़ौज अंदर आ गई और लड़ते लड़ते किले को खतः कर लिया हजतम बिन आस ने उन्हें इस शर्त पर अमान दे दी कि रोमी फ़ौज अपने साथ चंद दिनों की खुराक लेकर यहाँ से निकल जाए और किला बाबलियन में जो जख़ीरा और जंगी असला है उन्हें हाथ न लगाएँ क्योंकि वह मुसलमानों के अंवाले गनीमत हैं इसके बाद हजतम बिन आस ने किला बावलिय के गुंबदों और बुलंद वमस्कम दीवारों को तोड़ दिया कि बावलियन की फ़तह के बाद इस्लामी फ़ौज ने मिस्र में मुख्तफ इलाक़ों और किलों पर खतूहत हासिल कि जिनमें सबसे नुमायाँ तरनूत, नक्यूस, सुलतीस क्रियोन वगैरह हैं स्कंदरिया की फ़तह किस तरह हुई इस बारे में लिखा है कि उसद की फतः के बाद हजरत उमर ने स्कंदरिया की फतह की भी इजाज़त दे दी स्कंदरिया और फस्ताद के दरमियान मुकाम कि में रोमियों की शदीद जंग हुई जिसमें मुसलमानों को फतह हुई इसके बाद स्कंदरिया तक रोमी सामने ना आए मकूकस जजिया देकर सुलह करना चाहता था लेकिन रोमियों ने उस पर दबाव डाला जिसके नतीजे में मकूकस ने हजरत अमर बिन आस को पैगाम भेजा कि वो और किप्ती कौम इस जंग में शामिल नहीं हैं इसलिए हमें उसमें कोई ज़रूरत न पहुँचे किप्ती इस मार्के से अलग रहे बल्कि उन्होंने इस्लामी फ़ौज का साथ दिया और मुसलमानों के लिए रास्ता हमवार करने लगे और पुल मरम्मत करने लगे स्कंदरिया के मुहारे में भी किप्ती मुसलमानों को किप्ती लोग मुसलमानों को रसद मुहैया करते रहे इसकंदरिया की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त मुसलमानों ने स्कंदरिया को फतह किया उस वक्त उस शहर को दारुल हुकूमत की हसीियत हासिल थी कस्तनतनिया के बाद बाजंतीनी रोमी बादशाहत का दूसरा बड़ा शहर माना जाता था मजीद बरँ दुनिया का सबसे पहला तजारती शहर था बाजंतीनी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर इस शहर पर मुसलमानों गलबा हो गया तो उसके बहुत भयानक नतज सामने आएंगे। इसी परेशानी की हालत में हरकल ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर अरब स्कंदरिया पर गालब आ गए तो रोमे हलाक हो जाएंगे स्कंदरिया ने हरकल ने मुसलमानों से लड़ने के लिए नफ्स नफीस तैयारी की थी लेकिन तैयारी के दौरान मर गया और उसका बेटा को बादशाह बना स्कंदरिया अपनी फसीलों की उस जखामत मोहल्ले वकू और मुआाफजों की कसरत की वजह से एतबार से अपना एक मुनफरद मुकाम रखता था स्कंदरिया का मुहारा नौ माह तक जारी रहा हजरत उमर को तशवीश हुई और ख़त लिखा हजरत उमर ने कि शायद तुम लोग वहाँ रह कर परस्त हो गए हो वरना वरफतः में इस कदर देर न होती इस पैगाम के साथ मुसलमानों में जिहाद की तकरीर करो और हमला करो हजरत उमर का ये खत सुनाने के बाद हज़रत अमर बिन आस ने हजरत बदा बिन सामित को बुलाया और अलम उनके स्पर्द कर किया मुसलमानों ने नहाय शदीद हमला किया और शहर फतह कर लिया उसी वक्त हजरत अमर ने मदीना का सदर रवाना किया और उसको कहा कि जिस कदर तेज जा सको जाओ और अमीरमोमिन को खुशखबरी सुनाओ कासरत गोटनी पर सवार हुआ और मंजिलें तय करते हुए मदीना पहुँचा चूँकि दोपहर का वक्त था इस ख्याल से ये आराम का वक्त है बार गाह खिलाफत में जाने से पहले सीधा मस्जिद नबी का रुख किया इतफाक़ से हजरत उम्र की लॉन्डी उधर आ निकली और पूछा कि कौन हो और कहाँ से आए हो कासद ने कहा उसक्रिया से आया हूँ उस लॉन्डी ने उसी वक्त जाकर ख़बर दी और साथ ही वापस आई और कहा कि चलो तुमको अमीर मुमन बुलाते हैं हजरत उम्र बगैर इंसार के खुद चलने के लिए तैयार हुए और चादर संभाल रहे थे कि कासद पहुँच गया फ़तेह का हाल सुनकर ज़मीन पर गिरे और सजदा शुक्र अदा किया आप उठकर मस्जिद में आए और मुनादी करा दी कि असलातल जाजाम ये सुनते ही सारा मदीना उमड़ आया कासत ने सब के सामने फ़तेह की हालात बयान किए बाद कासत हजत उमर के साथ उनके घर गया उसके सामने खाना पेश किया गया फिर हजरत उम्र ने कासद से पूछा कि मेरे सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए उसने कहा कि मैंने सोचा कि आप आराम कर रहे होंगे और माने लगे तो उन्हें मेरे मतलब ये क्यों गुमान किया मैं दिन को सोऊँगा तो खिलाफत का बार कौन उठाएगा इसकंदरिया की फतह के साथ सारा मिसर फतह हो गया इन मार्कों में कसरत से कैदी बनाए गए हजरत ने तमाम क़ैदियों के मतलब हजत अमर को बदरी ख़त फरमाया कि सबको बुला कर कह दो कि उनको इख्तियार है कि मुसलमान हो जाएँ या अपने मजहब पर कायम रहें इस्लाम कबूल करेंगे तो उनको वो तमाम हकूक़ हासिल होंगे जो मुसलमानों को हासिल हैं वरना जजिया देना होगा जो तमाम जमीन से लिया जाता है और उम्र का फरमान जब कैदियों के सामने पढ़ा गया तो बहुत से कैदियों ने इस्लाम कबूल किया और बहुत से अपने मजहब पर कायम रहे जब कोई शख्स इस्लाम का इजहार करता तो मुसलमान अल्लाह वक़्र का नारा बुलंद करते थे और जब कोई शख्स ईसाईत का इकरार करता था तो तमाम ईसाइयों में मुबारकबाद का शोर उठता था और मुसलमान गमगीन होते थे इसकंदरिया की लाइब्रेरी जलाए जाने का भी वाक़ मुस्तरक बाज़ बड़ा ज़ोर शोर से बयान करते हैं इसकी हकीकत क्या है इसकंदरिया की इस फतः के ज़मन में मुखालफन बिलखसूस ईसाई मुसनफिन की तरफ से एक इतराज़ किया जाता है कि हजरत उम्र ने इसकंद्रिया में मौजूद एक बहुत बड़े कुत्व ख़ाना को जलाने का हुक्म दिया था और इस एतराज़ के साथ गोया ये त पैदा करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान नागज़ु बिल्ला किस कदर इल्म इलुल के मुखालिफ थे और इस कंद्रिया में मौजूद इतने बड़े कुतु खाने को जला दिया कि छः माह तक आग जलती रही हालांकि अक्ल नकल दोनों अतबार से एतराज़ सरासर बनावटी और जाली मालूम होता है क्योंकि जिस कौम को उसके राहब रहनम रसूल सल वसम ने यह फरमाया हो कि तलब विल फरीजा तुम कुल्ले मुस्लिम के इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और जिसने ये हुक्म दिया हो कि इल्मा वलो बसन के इल्म हासिल करो खा चीन जाना पड़े और जिनके लिए कुरान करीम में इल्म और अकल और तदब्बर व के लिए दर्जनों अहम आयात मौजूद हों ऐसे लोगों पर खुत खाने को जलाने का इल्ज़ाम लगाना अकल और दरायत के असूलों के ख़िलाफ़ है इसके अलावा बहुत से महक़ीन जिनमें खुद ईसाई और यूरोपियन महक शामिल हैं उन्होंने इस बात की तरदीद की है और साबित किया है कि स्कंद्रिया के कुतु खाने को जलाए जाने का वाक्य सरासर बनावटी और जाली किस्सा है चुनाच मिस्र के एक आलम मोहम्मद रजा रज़ाब तसनीफ़ सरतम फारूक में इस वाक़े का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि स्कंद्रिया में आग लगने का जो एतराज़ किया जाता है उसका ज़िक्र अबुलफर्श मल मलती मलती ने किया है उसने ये वाक़ तरीक़ किताब मुख्तरदोल में किया है ये मोरक्स बारह सौ छब्बीस ईस्वी में पैदा हुआ और बारह सौ छियासी में फौत हुआ उसने लिखा है कि फतह के वक्त योन्नावी नामी एक शख्स जो किबती पादरी था और मुसलमानों में याहिया के नाम से मशहूर हुआ एहतिक के लिहाज से ईसाइयों के फिरका याकूबिया से ताल्लुक़ था उसका और बाद में ईसाइयों के अकीद तसलीस से रजू कर लिया उसने अमर बिनास से ख़जाने मलूकियत में से हमत की कुतब मांगी तो हजतु उमर बिन्स ने जवाब दिया कि हजत उमर से इजाज़त के बाद ही कुछ बताने के काबिल होंगे बिल्कुल एक झूठी कहानी है लेकिन फिर भी बयान कर देता हूँ इतराज़ को रद्द करने के लिए हजरत उम्र ने लिखा कि आपने जिन किताबों का ज़िक्र किया है अगर तो इनका मवाद अल्लाह ताला की किताब के मुाफिक है तो फिर जो कुछ अल्लाह ताला की किताब में है वो हमारे लिए काफ़ी है और इन किताबों की हमें कोई ज़रूरत नहीं और अगर इनका मवाद अल्लाह ताली की किताब के ख़िलाफ़ है फिर इन किताबों की हमें कोई ज़रूरत नहीं लिहाजा आप ऐसी किताब में करा दें हजत अमर बिन आस ने स्कंद्रिया के हमामों पर इन किताबों की छांटी शुरू कर दी और उन्हें इन भट्टियों में जला दिया इस तरह वो किताबें छः माह में, में ख़त्म हो गई इस रवायत का ज़िक्र ना तारीख़ दबरी में है ना इबन असिरर में है ना याकूबी और किंदी में ना इबन अब्दुल हकम और बलाजरीन ने और ना ही इबन खुलदून ने इसका ज़िक्र किया है अबुलफ ने तेरवीं सदी ईस्वी के नस्फ़ और सातवीं सदी हिजरी के अवायल में किसी मस्तर का जिक्र किए बग़ैर से लिखा है प्रोफेसर बटलर ने नावी के बारे में तकीक की और लिखा है कि वो सन 642 सौ बयालीस ईस्वी में जिसमें लाइब्रेरी को आग लगने का जिक्र है जिंदा ही नहीं था दायरा मरूफ बरतानिया ने जिक्र किया है कि यह ना पाँचवीं सदी के अवाखर और छठी सदी के अवाइल में ज़िंदा था और यह भी मालूम है कि मिस्र सातवीं सदी के अवाइल में फते हुआ था इस बना पर प्रोफेसर बटलर ने दुरुस्त कहा है कि उस वक्त फौत हो चुका था फिर ये यानी जिसका हवाला दे रहे हैं वो तो उस वाक़े से जो हुआ है जो बयान किया जाता है गलत रंग में बेषक उससे बहुत पहले फ़ौत हो चुका था फिर ये कि डॉक्टर हसन इब्राहिम हसन ने प्रोफेसर इस्माइल की सनत से अपने रसाले तारीख़ अमर बिन आस में ये तारीफ किया है कि उस वक्त दार कुतुब सिकंदरिया यानी लाइब्रेरी जो थी सिकंदरिया की मौजूद ही नहीं थी क्योंकि इसके दो हिस्सों में से एक बड़े हिस्से को यूलियूस कैसर जूलियस कैसर सीजर जूलियस सीजर ने कि ने बिला कसद बगैर किसी मकसद के और बिला वजह सन सैंतालीस काफ मसी में जला दिया था काफ मही में, में जला दिया था और उसकी दूसरी किस्म भी इसी तरह मुस्कुरा जमाने में मदूम हो गई थी और ये वाक़ यूफिल पादरी के हुक्म पर चौथी सदी में हुआ प्रोफेसर बटलर लिखता है कि अबुल अबुलफ़र्ज का किस्सा तारीख़ी असास से महज पेशोरोंपा है और मज़े का खेज है अगर किताबें जलानी होती तो वो मुख्तसर सदत में एक दफ़ा ही जल सकती थी और अगर वो छः माह में जलाई गई उनमें से बहुत सी चोरी भी हो सकती थी अरबों के मतलब मरूफ नहीं कि उन्होंने किसी चीज़ को तलब किया हो गिबन ने लिखा है कि इस्लामी तलीमत इस रवायत की मुखालफत करती हैं क्योंकि उसकी तलीमा तो ये हैं कि जंग में यहूदियों और ईसाइयों की मिलने वाली कुतब को जलाना जायज़ नहीं और जहाँ तक इलम फलसफा शेर और दीन के अलावा दीगर ओलूम की कुतुब का ताल्लुक है तो इस्लाम ने उनसे इस्ता करना जायज़ करार दिया है मुसलमानों ने मफतवा इलाकों में गिरजों और उनकी मुतलक चीज़ों को नुकसान पहुँचाने से बल्कि जिमियों को भी ह्रियत दीनिया की इजाज़त दी थी तो क्या अक्ल तस्लीम कर सकती है कि अमीरमिन इसकंद्रिया को तो खाना जिला देने का हुक्म दे देंगे असली अव्वल ने अपनी किताब तस्दीक ब्राहीन अहमदिया में इस अतराज़ का जिक्र करके जवाब दिया है और फरमाते हैं कि फैलूनस हकीम और फाजल अजल की अरज़ पर अमर सिपा सरार फ़ौज ने अमीरमोमीन उमर खलीफा सानी से इस कुतुब के बारे में शाद पूछा तो खलीफा ने लिखा फिल फौर जला दिए जाएँ छः महीने तक वो तमाम हमाम गर्म होते रहे अब लिखते हैं ये तो लोग कहते हैं ना ये ये तो इतराज सिर्फ़ पादरी साहिबान की कासल लेसी कन जाए हकीकत कोई नहीं वह वाला नाजरीन ग़ौर करें अव्वल ये आप फ़रमाते हैं खलीफ़ा अबल के अव्वल अब ये कि अगर इस्लाम की आदात में ये होता तो इस्लाम वाले फिर खलीफा उमर अपने फिर खलीफा उमर रित हो अपने महद में यहूद और ईसाइयों की पाक कुतुब को जलाते क्योंकि वही दोनों मजाहब हाँ पाक किताबों वाले मजहब मज़हब इस्लाम के पहले मुखातब थे फिर मजूस पर इस्लाम का पूरा तसलत हुआ मगर कोई तारीख नहीं बताती कि इस्लाम ने उनकी किताबें जलाईं अगर ये फेल इस्लाम या खुलफा इस्लाम का दाव होता यानि उनकी आदत होती तो इसका अरतिका के इस अबाब हमेशा इस्लाम में मौजूद होते और इस्लाम को कोई चीज़ माने नहीं थी इसमें दूसरी बात ये रिफावल है। फरमाते हैं कि अगर मजहबी किताबों का जलाना इस्लामी बादशाहों और अवाम इस अवाम इस्लाम का काम होता तो यूनानी फ़लसफ़ा यूनानी तब यूनानी अलूम के तर्जे अरब अर्भ, अरबी ज़बान में महाल होते स्वयं ये अगर किताबों का जलाना इस्लामी लोग इख्तियार करते तो ज़रूर था कि मुक़ज़ब ब्राहीन अहमदिया जो, जो तकतीब तु, तु, कर ब्राहीन अहमदिया उसके जवाब में लिख रहे हैं ना स्लीफ़ावल अपने मुल्क से कोई नज़ीर देते और उन्हें स्कंद्रिया में समुद्र पार ना जाना पड़ता यहाँ लिखते कि हिंदुस्तान में कौन सी किताबें जली हैं चहारम ये कि सात सौ बरस से ज़्यादा इस्लाम ने हिंदुस्तान में सल्तनत की और इस सरसे में भागवत रामायण गीता महाभारत और इनके मिसल लिंग पुरान मारकुंडी मशहूर किताबें हैं जो आज तक मजहबी किताबें और मुक़दस पुस्तक की जाती हैं किसी के जलाने की खबर कान में नहीं पहुँची बल्कि इन किताबों में से बाज के तर्जमे हुए पस्जुब आता है कि इन हिंदुओं ने क्यों कर समझ लिया कि मुसलमान उनकी पुस्तकों को जलाते हैं इंसाफ़ से सोचो इस एतराज़ के जवाब में तस्दीक ब्राहीन अहमदिया में हजरत मौलाना अब्दुलकरम साहेब ने भी नोट लिखा है कि लिखते हैं कि अगरचे इस वक्त तक जबकि इस वाक़े की तकीक न की गई थी और सही हालात रोशनी में न आए थे ये इल्ज़ाम मुसलमानों को दिया जाता था मगर अब मुनसिफ़ मिजाज और हक़ पसंद में ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं जो ये ना हक इल्ज़ाम मुसलमानों को देते हों इल्जाम की वजह ज़्यादातर तसुब या नावाफ़ियत पर मबनी थी और इस वक्त भी जब ये इल्ज़ाम लगाने वालों वाले के पास कोई सही सनत मौजूद न थी यानी इस किस्से के बयान करने वाले दो मरख इस वाक़े से पाँच सौ अस्सी बरस बाद पैदा हुए और कोई पहली सनत उनके पास मौजूद ना थी सेंट क्राए जिसने स्कंद्रिया के कुत की तहकीक में बहुत सी किताबें लिखी हैं इस रवायत को बिल्कुल झूठा ठहराया है और मालूम हुआ कि ये किताबें जूलियस सीज़र की लड़ाई में जल गई थी चुनाचे प्लूटार्क भी लाइफ ऑफ सीज़र में लिखता है कि जूलियस सीज़र ने दुश्मनों के हाथों में पड़ जाने के खौफ से अपने जहाज़ों को आग लगा दी और वही आग बढ़ते बढ़ते उस हद तक पहुंच गई कि उसने स्कंद्रिया के मशहूर कुतु खाना अजीम को बिल्कुल जला दिया हेडन ने अपनी किताब डिक्शनरी ऑफ डेट्स रिलेटिंग टू ऑल एजस ने जहाँ इस रवायत इस गलत रवायत को दर्ज किया है वहाँ अपनी तहक़ीक़ात से नोट लिखा है कि ये किस्सा बिल्कुल मशकूक है हज़त उम्र का कॉल अगर वो किताबें मुखालफ इस्लाम हैं तो जला देना चाहिए मुसलमानों ने तस्लीम नहीं किया इस कॉल को बाज़ ने थीफिल्स स्कंद्रिया के बिशप से मंसूब किया है जो तीन सौ ईस्वी में हुआ और बाद में उसे कार्डिनल जमन जमेनज़ जेमिन, के माथे लगाया है जो पंद्रह सौ ईस्वी में था फिर लिखते हैं कि हमारे मशहूर जवान मर्द डॉक्टर लाइटनर ने अपनी किताब स, सनीन में इस गलत रवायत की पैरवी की है और अफ़सोस से मालूम होता है कि डॉक्टर साहब मसू को अपनी तहकीक़त में धोखा हुआ है ड्रैपर साहब जॉन विलियम ड्रैपर ने मशहूर किताब में पहले इस कॉल को ग़लत रावियों से नक़ल किया है लेकिन बाद में जाकर इसकी कॉल की गलती को तस्लीम किया है और लिखा है कि दर हकीकत ये किताबें जूलिय सीधर की लड़ाई में जल गई थी और अब कामिल यकीन के साथ कहा जा सकता है कि कॉल बिल्कुल बेअसल और महज फसाना है अगर रोने के लायक है तो ये सच्चा वाक़ है अगर कोई जिस बात को सोच करना चाहिए रोना चाहिए तो ये वाक़ सच्चा है कि मतसर कार्डिनल जर्मनीस ने अस्सी हज़ार अरबी क़लमी किताब में गिरनादा के मैदानों में बर्बाद करने वाली आग के शोलों के हवाले कर दी थी जब स्पेन को से मुसलमानों से छीना इन्होंने कब्जा हुआ ईसाइयों का तो वहाँ अगर नादा की लाइब्रेरी से अस्सी हज़ार किताबें इन्होंने जलाई थी ये है असल रोने का मुकाम बजाय इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाने के देखो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन्स उसमें यह हवाला दर्ज है तो बहरहाल ये लाइब्रेरी के जलाने का हवाला था जिस पर इज़ाम लगाया जाता है फ़तेह बरका त्रापल्स वगैरह का ज़िक्र है मिस्र फतह कर लेने और वहाँ अमन व अमानायम हो जाने के बाद अमर बिन आस मगरब की सुन पड़े ताकि उधर से मफ्तुआ इलाक़ों के लिए कोई ख़तरा वाक़ी ना रहे क्योंकि बरका और तराबलस में रोम की कुछ फौज किला बंद थी और मौका मिलने पर लोगों को लाने से वो मुसर, वो मिसर में मुसलमानों पर धावा बोल सकते थे स्कंद्रिया और मराकश के दरमियान जो इलाका है उसको बरका कहते हैं इस इलाके में कई शहर और बस्तियाँ आबाद हैं नॉंच अमर आस बाईस हिजरी में अपनी फौज लेकर बरका की तरफ चले स्कंदरिया से बरका तक का रास्ता नाहज सरसब्जाब और घनी आबादी वाला था इसलिए वहाँ तक पहुँचने में आपको दुश्मन की किसी साजिश का सामना नहीं करना पड़ा और जहाँ पहुँचे जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने जजिया की अदायगी पर मसालियत कर ली इसके बाद बरक़ा के लोग खुद ब खुद वाली मिस्र के पास जाते और अपना खराज जमा कराते थे मुसलमानों की तरफ से किसी को उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ये लोग मौरबे में सबसे ज़्यादा सादा लोग थे उनके यहाँ कोई फितना फसाद नहीं था अमर बिन आस यहाँ से निकले तो तराबलस की तरफ़ बढ़े जो महफूज और मज़बूत किलों वाला शहर था वहाँ रोमी फ़ौज की बहुत बड़ी तादाद मुकीम थी उसने मुसलमानों की आमद की ख़बर सुनकर अपने किलों के दरवाज़े बंद कर दिए और मजबूरन मुसलमानों के मुहारे को बर्दाश्त करने लगे ये मुहासरा एक माह तक जारी रहा लेकिन मुसलमानों कोई खातर खा कामयाबी नहीं मिली तराबलस के अकब में शहर से मुतसिल समंदर बहता था और समंदर और शहर के दरमियान कोई फसील कायम नहीं थी मुसलमानों की एक जमात को ये राज मालूम हो गया और पीछे से समुद्र की तरफ से शहर में दाखिल हो गई उन्होंने ज़ोर से नाराय तकबीर बुलंद किया अब फौज के सामने अपने अपनी अपनी किश्तियों में भागकर पना लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था वो जो ही पीछे भागे पीछे से अमर अमरबिनास ने उन पर हमला कर दिया उनमें से अक्सर तय तय कर दिए गए सवाए ये कि जो किश्तियों से भाग निकले शहर में मौजूद सामान और जैदाद को मुसलमानों ने माल गनीमत के तौर पर हासिल किया तरावलों से निमटने के बाद अमर अमरबिनास ने अपनी फ़ौज को कुर्ब जवार में फैला दिया आपका इरादा था कि मगरब की सिमत फतूहत मुकम्मल करके यून और अफ्रीका का रुख करें चुनाच इस सिलसिले में सैदना उमर बिन खताब के पास खत लिखा जबकि हरतुमर इस्लामी लश्कर को नए भेजने से हिचकिचाते थे और ख़ासतौर तो पर ऐसे ही हालत हालत में जबकि शाम से तराबलस तक तेज़ी से फतूहत के बायस मफतूबा इलाकों की तरफ से अभी बिल्कुल मतम ना हुए थे इसलिए आपने इस्लामी लश्कर को तराबलस में ठहर जाने का हुक्म दिया उमर फारूक के दौर खिलाफत में इस्लामी सल्तनत का दायरा दूर दराज इलाक़ों की सरहदों को छूने लगा इस्लामी सल्तनत मशरक में दरियाए जहून और दरियाए सिंध से लेकर मगरब में अफ्रीका के सहराओं तक और शुमाल में एशियाई कुचक के पहाड़ों और आर्मीनिया से लेकर जनूब में बैराकाहल और नूबा तक एक आलमी मुल्क की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर नमदार हुई नूबा मिस्र का जनूबी इलाका है जो बहुत वसी और है इसमें मख्तलिम अदियान और मिलल और तहजीब तमदन ने ज़िंदगी पाई थी यानी इस्लामी हुकूमत में मिस्र के इलाके में नहीं यह जो इलाका पूरा जो था मुसलमानों के जेर असर मुख्तलिफ मुख्तलिम थी मुख्तलिफ तहजीब तमदन थे और सब ने इस्लाम के साये, अदल और रहमत में अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारी व दीन इस्लाम जिसने अपने अकायद और इबादात और तहजीब तमदन कि मुखन को हज़ारों मुखालफतों के बावजूद इस दुनिया में मुकम्... मुकम्मल हक़ अदा किए और उनकी ज़िंदगी का पूरा पूरा एहतराम किया जंगों के दौरान मुसलमानों की वादात का रंग कैसा होता था इसका जिक्र करते हुए बस मुस्लिम बयान फ़माते हैं कि दुनिया में हर चीज़ कदम ब कदम तरक्की करती है बड़े बड़े काम भी यकदम नहीं होते बल्कि आता आहिस्ता होते हैं रसूल करीम सलील वम के ज़माने में भी सारे मुसलमान तोजद नहीं पढ़ते थे आहिस्ता आहस्ता उन्हें आदत डाली जा रही थी हती कि फिर वो ज़माना आया कि हजरत उम्र के ज़माने में जंग के दिनों में भी जबकि सबित है कि रसूल करीम सभी बज दफ़ा छोड़ देते थे मुसलमान तो पढ़ते थे मुमकिन है कि रसूल करीमल वसल् भी जंग के दिनों में तजत के लिए उठा करते हों मगर ये सबत है फिर बाज दफ़ा नहीं भी उठते थे लेकिन हजरत उमर के ज़माने में मुसलमान जंग के दिनों में भी तहजद पढ़ते थे हती कि एक दफ़ा जब हरकल ने उन पर शव खून मारने का इरादा किया तो उस पर खूब बहस हुई और आखिर यही फैसला हुआ कि ना मारा जाए क्योंकि मुसलमानों को शव खून मारना बेसूद है इसलिए कि वो तो सोते ही नहीं बल्कि तहजद पढ़ते रहते हैं यह भी तरक्की की अलामत है जो इब्तदा में ना थी शुरू शुरू में रसूल करीमल वल्लम को इसके लिए बहुत तारीख को तहरीस की जरूरत पेश आती थी मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर भी इसके आदि हो गए खुलफ़ाश दिन के दौर में होने वाली जंगों का जिक्र करते हुए मुस्लिम और फरमाते हैं कि इस्लाम ने सिर्फ मुकाबले का हुक्म ही नहीं दिया बल्कि बाद मसलों के मतः को बर्दाश्त करने का भी हिदायत दी है तो जहाँ अल्लाह ताली की तरफ से ये इजाज़त है कि अगर तुम्हें कोई शख्स थप्पड़ मारे तो तुम भी उसे थप्पड़ मारो वहाँ मा उसने यह भी कहा कि अगर तुम मुकाबला करना असलियत के ख़िलाफ़ समझो तो तुम चुप रहो और थप्पड़ का थप्पड़ से जवाब मत दो बस वो दलील जो आम तौर पर इन जंगों के मतलब पेश की जाती है इससे हजरत अब बकर हजरत उमर और हजरत उस्मान पर दुश्मन के इल्ज़ाम का दिफा तो हो जाता है ये तो पता लग जाता है कि हजरत अबू बकर ने जुल्म नहीं किया बल्कि कैसर ने जुल्म किया हजरत उमर ने जुल्म नहीं किया बल्कि किस तरह ने लुल किया हजरत ने नेुल नहीं किया बल्कि अफगानिस्तान और बुखारा की सरहद पर रहने वाले कबाइल और कुर्दों वगैरह ने म किया लेकिन इस अमर की दलील नहीं मिलती कि हजरतर ने उनको माफ़ क्यों न कर दिया हजरत उमर ने उनको माफ़ क्यों न कर दिया हजरत स्मान ने उनको माफ़ क्यों ना कर दिया जब वो मुकाबले के लिए निकले थे तो वो कैसे उससे कह सकते थे कि तुम्हारी सिपा से फलाना गलती हो गई है अगर इसके मतलब तुम्हारी हुकूमत हमसे माफ़ी तलब करे तो हम माफ़ कर देंगे और माफ़ी माफ़ी तलब ना करें तो हम लड़ाई करेंगे उन्होंने कैसर के सामने ये पेश नहीं किया कि तुम सिया से या तुम्हारी फ़ौज के एक हिस्से से फिलहाल मौके पर लम हुआ है और चूँकि हमारी तालीम ये भी है कि दुश्मन को माफ़ कर दो इसलिए अगर तुम माफ़ी मांगो तो हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं बल्कि तो जब उसने लम किया तो फ़ौर उसके मुकाबले के लिए खड़े हो गए मुसलमान जंग के लिए और फिर उसका मुकाबले को जारी रखा इस मुकाबले को जारी रखा जब किसरा के सिपाइयों ने इराकी सरहद पर हमला किया तो सियासी तौर पर उसके बाद सहबा और किसरा के दरमियान जंग बिल्कुल जायज हो गई लेकिन अखलाकी तौर पर हज़तुमर किसरा को यह भी कह सकते थे कि शायद तुमने इस हमले का हुक्म ना दिया हो बल्कि सिपाही ने खुद हम खुद हमला कर दिया हो इसलिए हम इस हमले को नज़रअाज़ करने के लिए तैयार हैं बशर्त के तुम हमसे माफ़ी मांगो और इस फेल पर नज़ामत का इज़हार करो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया इसी तरह तो उस्मान ने अपने ज़माने में दुश्मन को ये नहीं कहा कि तुमने जुल्म तो किया है लेकिन चूँकि हमारा मज़हब जुल्म की माफ़ी के भी तालीम देता है इसलिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं बल्कि फ़ौर इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए और लश्कर भेजे लड़ाई की और फिर इस लड़ाई को जारी रखा आखिर इसकी क्या वजह थी मुस्लिम फरमाते हैं अगर हम गौर करें तो हमें मालूम हो सकता है कि इसकी वजह सिवाय इसके और कोई नहीं थी कि हज तो वो जानते थे कि जब भी बैरूनी खतरा कम हो अंदरूनी फसादा शुरू हो जाएंगे वो समझते थे कि कैसर ने हमला नहीं किया बल्कि खुदा ने हमला किया है ताकि मुसलमान इस मुसीबत के जरिए से अपनी असलाह की तरह तोजु करें और अपने अंदर नई ज़िंदगी और नया तगैर पैदा करें हजतुमर जानते थे कि किस तरह ने हमला नहीं किया बल्कि खुदा ने हमला किया है ताकि मुसलमान गाफिल और सुस्त होकर ज़मीन हो में मनहमक हो जाएँ दुनिया में मनहमक हो जाएँ बल्कि हर वक्त बेदार और होशियार रहें हजरत षमान जानते थे कि बाज़ कबाइल ने मुसलमानों पर हमला नहीं किया बल्कि खुदा ने हमला किया है ताकि मुसलमान बेदार हों और उनके अंदर एक नई रूह और एक नई जिंदगी पैदा हो ये एक खुतब में मुस्लिम मुस्लिमों ने बयान फरमाया था अपने इस बुनियाद पर मुस्लिमों ने आगे फिर इसमें यह भी बयान फरमाया है जमात की नसीहत फरमाई है कि मसायब आते हैं मुश्किल में से गुज़रना पड़ता है ताकि रूहानी तरक्की हो और असूल को अगर हम आज भी याद रखना चाहते हैं या मुश्किल और मसायब हमें तो फिर याद रखें कि ये मुसायब और मुश्किल जो हमें खुदा तला के करीब करने वाले होने चाहिए और यही फतूहत का फिर जरिया बनते हैं अगर इन बातों में हम सिर्फ डर के पीछे पीछे रहते रहें और अपनी असलाह की तरफ़ तोजो न करें तो फिर तरक्की नहीं हो सकती हाँ जब तरक्यात मिल जाएँ और मसाइब ख़त्म हो जाएं, तब भी हमारा तल्लुक अल्लाह तला से रहना चाहिए लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर अल्लाह ताली की तरफ ज़्यादा तोजह होनी चाहिए और हमें अपनी रूहानी तरक्की और रूहानी बेहतरी की तरफ तोजह देनी चाहिए अगर मुस्लिमों यही लिखा है कि अगर हमने अगर इस बात को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा और यही बात समझने वाली है हर एक आमदी के लिए भी आजकल

ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل وَاللَّسَانِ وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر